तो उस टाइप से करें या जैसे भी कर पाते हैं उस टाइप से अपना गोला भरना स्टार्ट कर दें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, पाल शैली के चित्रण का मुख्य विषय क्या रहा? पूछा गया जैन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म या फिर ईसाई धर्म। आप जानते हैं पाल शैली जो रही जहाँ हिमान और वित्तपाल, आप जानते हैं धीमान और वित्तपाल बौद्ध धर्म से संबंधित खूब ज़्यादा चित्रण किए, तो सही जवाब पाल शैली में चित्रण का विषय बौद्ध धर्म बनेगा, बी इज द राइट आंसर होगा। यहाँ काखा गाघा में दिया गया, कहीं कहीं एक दो तीन चार में दिया जाता है, तो का को एक माना जाता है, खा को दो माना जाता है, गा को तीन माना जाता है और घा को चार माना जाता है। कभी कभी ए बी सी डी में तो का को ए, खा को बी, गा को सी और जो खा है उसे डी आंसर्स के रूप में दिया जाता है। अब इसी रूप में आप अपना आंसर शीट ओपन करना, उसी रूप में जो है आप अपना गोला भी फिलअप करना, ठीक है। बाकी परेशान मत होना, ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको टाइम मिल गया है तो आराम से आप पढ़ाई कर लें। अब केवल और केवल एक ही पेपर बचा है और वो है आपका 148 फतेह कराना, उस पर खूब दबा के मेहनत किया जाएगा और इसमें मैक्सिमम सिलेक्शन दिलाना है, बस यही हमारी आखिरी ख्वाहिश है। एक पेपर और है आप जानते हैं प्राविधिक कला का, वो 22 फरवरी को पेपर हो जाएगा, उसके बाद लगातार काम केवल और केवल ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट पे ही होगा। तो आप टेंशन निकाल दीजिए, अब आपको अनवरत क्लासेज मिलेंगी और सब कुछ टीजीटी आर्ट स्पेशल होगा। पहले क्वेश्चंस का सही जवाब बी हो चुका है। दूसरा नंबर क्वेश्चंस, पाल शैली का संरक्षक कौन था? चालुक्य शासक, शुंग शासक, पाल शासक या फिर हिंदू शासक। आप जानते हैं पाल शैली को जो संरक्षण देंगे उनका काम होगा पाल शासकों का, तो सही जवाब बी के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन तीन नंबर प्रश्न है, पूछ रहा है कि जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा? नाम दिया गया रायकृष्ण दास ने कहा, ई बी हेबले ने कहा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा या फिर आनंद गोडेश कुमार स्वामी ने कहा। जैन शैली को पश्चिम भारतीय कहली जो है शैली कह के जो उद्बोधन दिया जाता है वो आनंद गोडेश कुमार स्वामी के द्वारा दिया जाता है, तो सही जवाब सी के साथ लगाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या चार आपकी स्क्रीन पे है, आपसे पूछा जा रहा है मित्रों कि जैन चित्रकला के प्रसिद्ध स्रोत बताओ। नाम दिया गया पंचदशी, कामसूत्र, धर्मपाद और कल्पसूत्र। जैन चित्रकला के प्रसिद्ध स्रोत कौन कौन से हैं? तो जो अच्छे अच्छे स्रोत हैं उसमें जो है कल्पसूत्र बहुत अच्छे से आता है, सही जवाब डी के साथ बनता है। अगला प्रश्न पाँच नंबर है, कल्पसूत्र संबंधित है हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं जो कल्पसूत्र है मित्रों वो जैन धर्म से संबंधित एक बढ़िया ग्रंथ माना जाता है, सही जवाब सी के साथ बनेगा। अगला प्रश्न छः नंबर आपकी स्क्रीन पे है, पूछा जा रहा है भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की? नाम दिया गया राजपूत, पाल, मुगल और मौर्य। तो भारत में लघु चित्रों की जो शुरुआत है मित्रों मूल रूप से पाल शासकों ने की, तो सही जवाब सी के साथ लगाओ। प्रश्न संख्या सात की तरफ आओ, सर्वप्रथम लघु चित्रण किस पे बनाए गए? नाम दिया गया कागज, दीवार, ताड़पत्र और वस्त्र। आप जानते हैं जो लघु चित्रण है छोटे चित्रण है सबसे पहले किस पे? तो ताड़पत्रों पे बनाए गए, सही जवाब बी के साथ हो जाएगा। अगला प्रश्न आठ नंबर आपकी स्क्रीन पे है, पूछा गया भारत में सर्वप्रथम जो है सचित्र पुस्तकें किस माध्यम पर बनी? सचित्र पुस्तकें कपड़े पर बनी, कागज पर बनी, ताड़पत्रों पर बनी या फिर लकड़ी के पत्रों पर बनी? भारत में सर्वप्रथम सचित्र पुस्तकें जो बनाई जाती हैं वो कागज पर बनाई जाती हैं, तो सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन नौ नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछा जा रहा है पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ? नाम दिया गया पाल शैली, मुगल शैली, जैन शैली या फिर राजपूत शैली। पोथी चित्रण का जो प्रारंभ है कौन सी शैली से होता है मित्रों? तो आप जानते हैं पाल काल में पोथियों पर चित्रण खूब हुआ है, तो सही जवाब फर्स्ट लगाओ, पाल इज द राइट आंसर्स बनाओ। फिर बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 10 की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चंस, पाल पोथी चित्रों का मुख्य विषय क्या है? नाम दिया गया पाल राजाओं का जीवन चरित्र, नवाबों का दरबार, बुद्ध का जीवन चरित्र या फिर चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र। पाल पोथी चित्रों का जो मुख्य विषय है मित्रों वो मूल रूप से है बुद्ध का जीवन चरित्र, क्योंकि पाल काल में बुद्ध से संबंधित डाटा है और जो मूल रूप से आपकी जैन शैली होती है वहां पे जैन धर्म से संबंधित डाटा होता है, तो सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, 11 नंबर क्या पूछ रहा है? प्रश्न संख्या 11, पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? आप जानते हैं नेपाल की है, बिहार की है, उड़ीसा की है या फिर बंगाल की है। ऑप्शन सभी दे दिया गया है। आप जानते हैं जो पाल चित्रकला है सबसे पहले बंगाल में आती है, बंगाल के बाद बिहार में जाती है और बिहार के बाद नेपाल में। तो यहाँ पे पूछा गया कौन से प्रदेश की है, तो सही जवाब बंगाल लगाना, ऐसा ना हो कि ए या सी में से लगा दो, सही जवाब डी के साथ बनाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 12 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पूछा जा रहा है भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस
काल से आरंभ हुई। नाम दिया गया प्राचीन काल, आधुनिक काल, प्रागैतिहासिक काल या फिर उत्तर मध्य पाषाण काल। भारतीय लघु चित्रों की जो परंपरा है मित्रों, वो स्टार्ट होती है उत्तर मध्य काल यानी प्रकृति काल से। तो सही जवाब डी के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर आपके स्क्रीन पे रहा। पूछा गया पाल शैली के चित्र होते हैं। नाम दिया गया पोथियों पर, कैनवास पे, दीवार पे या फिर बोर्ड पे। तो पाल शैली के जो चित्र होते हैं मित्रों, वो होते हैं पोथियों पर। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ देना होगा, ए इज द राइट आंसर लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। बुद्ध योग मुद्रा में कमल प्राचीन है, ऐसा चित्र किस शैली का बढ़िया नमूना है। पूछा गया पाल शैली, राजपूत शैली, मुगल शैली और इनमें से कोई नहीं। बुद्ध कमल पे आसीन है, ऐसा दृश्य भी पाल शैली का बढ़िया नमूना है। सही जवाब पाल शैली लगाओ। अगला क्वेश्चन 15 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया डॉक्टर आनंद कौडेश कुमार स्वामी ने कल्पसूत्र की एक प्रति कहाँ 1924 ईस्वी में प्राप्त की। नाम दिया गया लाहौर संग्रहालय, बर्लिन संग्रहालय, कलकत्ता संग्रहालय या फिर इनमें से कोई नहीं। आनंद कौडेश कुमार स्वामी जो कल्पसूत्र से एक डाटा उठाएंगे, वो मूल रूप से बर्लिन संग्रहालय का होगा, 1924 का होगा। सही जवाब सी के साथ लगाओ। फिर बढ़ेंगे 17 नंबर क्वेश्चंस की तरफ। अच्छा 17 नंबर क्वेश्चंस, 16 नंबर क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। जैन लघु चित्रों का मुख्य विषय या प्रमुख विषय क्या है। पशु पक्षी, शासक, तीर्थंकर और उनकी जीवनी या फिर इनमें से कोई नहीं। जैसे जैन शब्द आए, जैन धर्म से संबंधित लगाओ, और जैन धर्म में आप जानते हैं तीर्थंकर हुए हैं, तो वहाँ पे तीर्थंकर और उनकी जीवनी को जैन धर्म में बढ़िया से दर्शाया गया है। सही जवाब इसी के साथ लगाओ। फिर बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 17 की तरफ। आपसे पूछा गया विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। नाम धर्मपाल, सुतपाल, वित्तपाल, जयपाल का दिया गया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय आप जानते हैं भागलपुर में गंगा नदी के किनारे धर्मपाल ने एस्टेब्लिश किया। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। किस भारतीय चित्र शैली के मनुष्य के चेहरे का 3/4 भाग चित्रित किया गया। किस भारतीय चित्र शैली में मनुष्य के चेहरे का 3/4 भाग यानी 4 भाग हो, उसमें से 3 भाग जो है आपका चित्रित हो जाए, वो बताना है कि पाल शैली में हुआ, गुलेर शैली में हुआ, बीकानेर शैली में हुआ या फिर जैन शैली में हुआ। तो मित्रों जो 3/4 यानी 3/4 भाग मनुष्य का जो दर्शाया गया, वो चित्रण शैली है जैन शैली। सही जवाब डी के साथ लगाओ। डी इज द राइट आंसर पाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। जैन चित्र कागज पे कब बने। नाम दिया गया 12वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी या फिर 15वीं शताब्दी। अब ये बहुत कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। कभी इसे 14वीं शताब्दी सही मान लेता है, कभी 15वीं शताब्दी मान लेता है। जैसे यहाँ आप 15वीं लगा रहे हैं, कहीं कहीं किताबों में 14वीं हो जाता है, तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। ऐसे प्रश्नों को आपको निकाल देना चाहिए, इसीलिए कहा जाता है आयोग में अच्छे सदस्य होंगे तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। और फाइनली प्योर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो प्योर बंदे सेलेक्ट होंगे, फाइनली एक योग्य शिक्षक उत्तर प्रदेश में कला के लिए नियुक्त होगा। तो जब डाउटफुल क्वेश्चंस हट जाएं तो ज़्यादा बढ़िया है। ऐसे क्वेश्चंस का आंसर्स कभी 14वीं कभी 15वीं आंसर्स बनता है, और किसी किसी महानुभाव की किताब देख लो तो वहाँ 16वीं भी आंसर्स आ जाता है। अगला प्रश्न 20 नंबर है। अपभ्रंश चित्रों का क्या विषय है। नाम दिया गया जैन है, श्रृंगार है, ब्राह्मण है या फिर बौद्ध है। अपभ्रंश चित्रों के विषय की अगर बात होती है तो सही जवाब जैन बनता है, फर्स्ट इज द राइट आंसर। अपभ्रंश शैली को ही जैन शैली कहा जाता है, कभी कभी पश्चिम भारतीय शैली भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 21 की बात होगी। खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में हुआ। नाम दिया गया पहाड़ी शैली, मुगल शैली, अपभ्रंश शैली, राजपूत शैली। खिलौने की तरह पशु पक्षियों को कहाँ दर्शाया गया, तो जिसे हम लोग अपभ्रंश शैली कहते हैं वहीं दर्शाया गया। सही जवाब बी के साथ। अगला क्वेश्चन 22 नंबर। पूछा गया जैन लघु चित्रों की विशेषता है। नाम दिया गया चित्रण, नाम दिया गया पशु पक्षी चित्रण, नाम दिया गया परली आंख का दिखना, नाम दिया गया बौनी आकृतियां। जैन लघु चित्रों की विशेषता क्या है। तो जैन के जो लघु चित्रण है, छोटे चित्रण है, वहां परली आंख का दिखाना है। सही जवाब जो है सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 23 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया जैन शैली के चित्रों की प्रधान विषय वस्तु है। नाम दिया गया महावीर का जीवन चरित्र, महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र, राम का जीवन चरित्र या फिर उपयुक्त सभी। जैन शैली के चित्रों का जो धान विषय वस्तु है, मुख्य विषय वस्तु है, वो है महावीर का जीवन चरित्र। तो जैन धर्म महात्मा बुद्ध नहीं होगा, महावीर होगा, क्योंकि महावीर स्वामी आप जानते हैं 24वें तीर्थंकर होते हैं। सही जवाब जो है जैन धर्म से ही जाएगा, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा।
पूछा गया परली आंख किस शैली के चित्रों की विशेषता है। नाम दिया गया मुगल शैली, अपभ्रंश शैली, पहाड़ी शैली या फिर राजस्थानी शैली। आप जानते हैं जो परली आंख होती है वो अपभ्रंश शैली की विशेषता है, तो सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 24 नंबर आपकी स्क्रीन पे है, आपसे पूछ रहा है जैन धर्म के अनेक तीर्थांकर किस सचित्र पोथी में चित्रित हैं। नाम दिया गया वसंत विलास, कालकाचार्य कथा, चित्रकल्प द्रुम्य या फिर नमेश। कोई नहीं, जैन धर्म के अनेक तीर्थांकर किस सचित्र पोथी में चित्रित हैं, तो सही जवाब कालकाचार्य कथा होता है, सी इस तरह राइट आंसर होता है। प्रश्न संख्या 26 पूछ रहा है जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की है। नाम दिया गया उत्तर क्षेत्र, पूर्व क्षेत्र, मध्य क्षेत्र या फिर पश्चिम क्षेत्र। जैन चित्रकला की अगर बात होती है मित्रों, तब आपको पश्चिमी क्षेत्र लगाना होता है। जब पाल चित्रकला की बात होती है, पाल चित्रकला, तब वो आपका पूर्वी क्षेत्र हो जाता है, पूर्वी क्षेत्र। ठीक है, जब जैन आए तो पश्चिमी क्षेत्र लगाना, पश्चिमी में वो कहाँ पे, तो गुजरात लगाना होता है, गुजरात। ठीक है, जबकि पूर्वी की अगर बात होती है तब बंगाल लगाना होता है, दीदी वाला बंगाल। ठीक है, याद रखना। आगे बात करेंगे, प्रश्न संख्या 27 की बात हो रही है, आपसे पूछा जा रहा है पाल शैली का सचित्र ग्रंथ कौन सा है। महावीर चरित्र है, प्रज्ञा पारमिता है, बाल गोपाल स्तुति है या फिर रति रहस्य है। पाल शैली की बात हो रही है, पाल शैली में आप जानते हैं प्रज्ञा पारमिता बहुत बढ़िया है, सही जवाब इसी के साथ अपनाओ। अगला क्वेश्चन 28 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा, पूछा जा रहा है आपसे कि पाल शैली के चित्रों, पाल शैली में बने चित्र बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय से संबंधित हैं। नाम दिया गया हीनयान, स्वादयान, महायान, इनमें से कोई नहीं। पाल शैली में जो चित्र बने हैं मित्रों, उनका संबंध जो होता है महायान संप्रदाय से होता है, तो सही जवाब बी के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन 29 नंबर आपकी स्क्रीन पे है, जैन शैली को अपभ्रंश शैली किस विद्वान ने कहा। नाम आनंद कोटेश कुमार स्वामी का है, फर्ग्यूसन का है, राय कृष्णदास का है, इनमें से सभी हैं। अपभ्रंश शैली को जैन शैली या जैन शैली को अपभ्रंश शैली किसने कहा, तो आप जानते हैं स्वर्गीय राय कृष्णदास ने कहा है, सही जवाब जो है बी के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन 30 नंबर आपके स्क्रीन पे है, पूछा गया जैन शैली का निर्माण काल क्या है। नाम दिया गया 11वीं से 15वीं शताब्दी, 15वीं से 18वीं शताब्दी, 9वीं से 11वीं शताब्दी या फिर 7वीं से 8वीं शताब्दी। जैन शैली का निर्माण काल खूब पूछा जाता है, 11वीं से 15वीं शताब्दी आंसर्स बनता है, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, 31 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, पूछा गया अपभ्रंश शैली के, अपभ्रंश शैली जैन धर्म के किस संप्रदाय से संबंधित है। नाम दिया गया श्वेतांबर संप्रदाय, महायान संप्रदाय, दिगंबर संप्रदाय या फिर इनमें से कोई नहीं। अपभ्रंश शैली जैन धर्म के कौन से संप्रदाय, तो अपभ्रंश शैली जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय से संबंधित है, फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा। ए के साथ सही जवाब लगाओ। अगला क्वेश्चन 32 नंबर, अपभ्रंश या फिर जैन शैली का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। नाम दिया गया कथा सारित्व सागर, नाम दिया गया अंग सूत्र, नाम दिया गया निशित चूर्णी और नाम दिया गया इनमें से कोई नहीं। जैन शैली या फिर अपभ्रंश शैली का प्राचीनतम ग्रंथ क्या माना जाता है, तो सबसे पुराना ग्रंथ निशित चूर्णी है, सही जवाब बी के साथ देना होता है, बी इज द राइट आंसर्स लगाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, 33 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ प्राप्त हुई। नाम दिया गया जौनपुर, अहमदाबाद, सहारनपुर या फिर मुंबई। तो कल्पसूत्र की बात हो रही है, आप जानते हैं भारत के सिराजे हिंद से सबसे बढ़िया वाला डाटा मिला है हुसैन शाह सरकी वाला जौनपुर, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 34 नंबर है, पूछ रहा है अपभ्रंश शैली का ज़्यादातर चेहरे बने हैं, सवा चश्म चेहरा, डेढ़ चश्म चेहरा, पौने एक चश्म चेहरा या फिर इनमें से कोई नहीं। अपभ्रंश शैली के जो ज़्यादातर चेहरे बने हैं वो सवा चश्म चेहरे के हैं, सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इस तरह राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 35 नंबर आपके स्क्रीन पे है, अपभ्रंश शैली में पृष्ठभूमि में रंग प्रयोग किया गया। नाम दिया गया लाल रंग, नीला रंग, आसमानी रंग या फिर इनमें से कोई नहीं। अपभ्रंश शैली में जो पृष्ठभूमि है उसका जो रंग है मित्रों, वो रंग होता है लाल रंग, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, 36 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थांकर के संस्थापक हैं। नाम दिया गया ऋषभदेव, महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी या फिर पार्श्वनाथ। जैन धर्म के प्रथम तीर्थांकर और जो जो है संस्थापक होते हैं उनका नाम ऋषभदेव है, तो आपको सही जवाब फर्स्ट के साथ देना होगा, ए इस द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 37 नंबर है, पूछा जा रहा है जैन शैली के चित्रों में पार्श्वनाथ को किस रंग से दिखाया गया। पार्श्वनाथ लाल रंग में है, नीला रंग में है, पीला रंग में है या फिर काला रंग में है। तो जैन शैली में जो पार्श्वनाथ हैं उनको रंगा गया है नीला रंग में, सही जवाब सी के साथ। अगला क्वेश्चन 38 नंबर आपसे पूछ रहा है जैन धर्म से संबंधित प्रथम गुफा कौन सी है। नाम सित्तनवासा, लिलोरा, अजंता और इनमें से कोई नहीं दिया गया। जैन धर्म से संबंधित जो पहली गुफा मानी जाती है उसका नाम ही है जैन सिद्धों का निवास स्थान यानी सित्तनवासल, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ।
इज द राइट आंसर पाओ। सित्तन वासल वही तमिलनाडु वाला है। अगला क्वेश्चन 39 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया अपभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग कैसे बने हैं। नाम दिया गया गतिमय है, स्थिरता और अकड़ है, कोमल है या फिर निमेषी कोई नहीं है। आपको बताना है कि अपभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग कैसा दर्शाया गया। तो जो अंग प्रत्यंग है अपभ्रंश शैली का मित्रों, वो स्थिरता और अकड़ के साथ दर्शाया गया। तो आपको सही जवाब शी के साथ लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 40 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछा जा रहा है कि अपभ्रंश शैली में किस रंग का प्रयोग ज़्यादा हुआ यानी अधिक हुआ है। हरा रंग, सुनहरा रंग, नीला रंग और सफ़ेद रंग दिया गया। अपभ्रंश शैली को ही पश्चिम भारतीय शैली कहा जाता है और यहाँ पे गोल्डन कलर ज़्यादा प्रयोग हुआ। तो सही जवाब सी के साथ बनेगा। सी इज़ द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 41 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। धीमान और वित्तपाल किस शैली के मुख्य चित्रकार थे। धीमान और वित्तपाल कौन सी शैली के बढ़िया चितेरे हैं। तो नाम दिया गया गुजराती शैली, पाल शैली, अजंता शैली और गुलेर शैली। आप जानते हैं धीमान और वित्तपाल को बहुत सारे चितेरे कहते हैं, शासक जो है कि इसके संस्थापक होते हैं, तो मूल रूप से पाल शैली के हैं। सही जवाब सी के साथ लगाना, सी इज़ द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 42 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया पाल शैली के चित्रों का जो है किन स्थानों पर बना है। गुजरात, राजस्थान, असम या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या बंगाल, बिहार, नेपाल या फिर निमेश कोई नहीं। तो पाल शैली के जो ज़्यादातर चित्र हैं कौन से स्थानों पे बने हैं। तो स्थान का नाम होगा बंगाल, उसके बाद बिहार, उसके बाद नेपाल। तो सही जवाब शी के साथ। अगला क्वेश्चन 43 नंबर पूछ रहा है आपसे, पाल शैली के पोथियों का पात्रों का माप क्या है। 22 सही 1/4 गुणे 1 जो है 2 सही 1/4 है, या 15 सही 1/2 गुणे 3 सही 1/2 है, या 2 सही 1/4 है गुणे 22 सही 1/4 है, या फिर 22 सही 1/2 गुणे 5 सही 1/2 है। पाल शैली के पोथियों का जो पत्र है उसका माप क्या है। तो याद रखना, पहले आपको लगाना होगा कौन सा, पहले आपको लगाना होगा 22 सही 1/4, उसके बाद लगाना होगा 1/2। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ये इज़ द राइट आंसर्स पाओ। अगला क्वेश्चन 44 नंबर आपके स्क्रीन पर रहा। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ पाल शैली का नहीं है। ग्रंथ पूछा गया पाल शैली का नहीं है, गंधर्व व्यूह, चक्रव्यूह, साधनमाला और प्रज्ञापारमिता का नाम दिया गया है। एक ग्रंथ ऐसा है जो नहीं है। आप जानते हैं चक्रव्यूह का संबंध यहाँ से नहीं है, बाकी गंधर्व व्यूह, साधनमाला, प्रज्ञापारमिता सब पाल शैली के ग्रंथ हैं। तो सही जवाब यहाँ सी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 45 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। किस शैली के चित्रों में स्वर्ण रंगों का प्रयोग नहीं मिलता है। नाम अपभ्रंश शैली है, पाल शैली है, मुगल शैली है, मेश कोई नहीं है। कौन से शैली के चित्रों में स्वर्ण रंग का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया गया। तो वहां पे पाल शैली आता है, सी इज द राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पुस्तक शैली के नाम से कौन सी शैली जानी जाती है। नाम अपभ्रंश शैली, मुगल शैली, राजस्थानी शैली और उनमें से कोई नहीं दिया गया। पुस्तक शैली किसे कह के पुकारा जाता है। तो अपभ्रंश शैली को पुस्तक शैली भी कहा जाता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन 47 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। पूछा जा रहा है चोर पंचायसका के रचनाकार हैं। नाम बिलहड़ का है, भूषण का है, कलहण का है या फिर गोपीनाथ का है। चोर पंचायसका के जो रचनाकार होंगे मित्रों, वो मूल रूप से बिलहण जी होंगे। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज़ द राइट आंसर्स होगा। अगला क्वेश्चन 48 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। जौनपुर से प्राप्त स्वर्णाक्षरों वाली 1467 ईस्वी के कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ सुरक्षित है। नाम दिया गया बड़ोदरा के नरसिंह जी के पालकों ज्ञान मंदिर में। नाम दिया गया राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। नाम दिया गया अहमदाबाद के साराभाई मणिकलाल संग्रहालय में। या नाम दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो कल्पसूत्र 1467 वाला सबसे बढ़िया वर्तमान समय में कहाँ पे है। तो बड़ौदा के नरसिंह जी पालकों ज्ञान मंदिर में है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 49 नंबर आपके स्क्रीन पे रहा। पूछा गया महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। नाम 540 ईसा में है। नाम दिया गया 566 ईसा में है, 599 ईसा पूर्व है या फिर नाम दिया गया 199 ईसा पूर्व। महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर होते हैं उनका जन्म पूछा गया। 599 ईसा पूर्व आंसर बन रहा है, बी इज द राइट आंसर। 50 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा जा रहा है जैन धर्म के वे कौन से तीर्थंकर थे जिनकी मृत्यु पावापुरी में हुई। नाम दिया गया ऋषभदेव, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ या फिर महात्मा बुद्ध। आप जानते हैं जैन धर्म का वह तीर्थंकर महावीर स्वामी है जो पावापुरी में अंतिम सांस लेता है, सी इज द राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन 51 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा, पूछा गया त्रिपिटक सर्वप्रथम किस पे लिखे गए थे, नाम है ताड़पत्र, दीवार, कागज और पट का नाम दिया गया। त्रिपिटक आप जानते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित डाटा है और ये ताड़पत्र पे लिखे गए, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ होगा, ए इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 52 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा, बौद्ध पुस्तकें लिखी गई कपड़ा पर, ताड़पत्र पे, कागज पे या फिर लकड़ी के टुकड़े पे, तो बौद्ध पुस्तकें जो लिखी जाती हैं मित्रों वो ताड़पत्रों पे ही लिखी जाती हैं, सही जवाब इसी के साथ बन रहा है। अगला क्वेश्चन 53 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा, पूछा गया पाल चित्रकला की शैली आधारित है, नाम दिया गया रामायण पे, बुद्ध पे, महाभारत पे या फिर जैन पे, तो पाल चित्रकला आप जानते हैं पूर्ण रूप में जब बुद्ध धर्म से संबंधित है तो इसकी जो शैली होगी वो भी आधारित होगी बौद्ध से, सही जवाब इसी के साथ। अगला क्वेश्चन 54 नंबर पूछा गया पाल पोथियां कहां लिखी गई, नाम दिया गया अवध में, बंगाल, बिहार में, त्रिहूत में या फिर उज्जैन में, तो पाल पोथियां जो लिखी जाती हैं मित्रों उसका जो स्थान होता है वो बंगाल, बिहार, नेपाल होता है, सही जवाब इसी के साथ। अगला क्वेश्चन 55 नंबर आपके स्क्रीन पे रहा, 55 नंबर प्रश्न कह रहा है पाल पोथियां किस पर लिखी गई, नाम दिया गया काष्ठ फलक, नाम दिया गया ताड़पत्र, नाम दिया गया पट, नाम दिया गया चर्म, पाल पोथियां किस पे लिखी गई, तो जो पाल पोथियां हैं मित्रों वो ताड़पत्र पे लिखी गई, सही जवाब सी के साथ बन रहा है, सी इज द राइट आंसर लगाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन 56 नंबर आपकी स्क्रीन पे है, पाल पोथियां किस धर्म से संबंधित है, नाम दिया गया शैव धर्म, भागवत धर्म, जैन धर्म या फिर महायान बौद्ध, पाल पोथियां किस धर्म से संबंधित हैं, तो उस धर्म का जो नाम होगा मित्रों वो मूल रूप से महायान बौद्ध होगा, सही जवाब डी के साथ बनेगा। पाल पोथियां वही गोपाल वाली जो हैं जहां धीमान वित्तपाल बढ़िया हैं, तो सही जवाब महायान बौद्ध लगाना, डी इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन 57 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, पूछा गया 1100 से 1500 ईस्वी के मध्य रचित पोथियों की चित्र शैली का उपयुक्त नाम क्या है, नाम दिया गया जैन शैली, गुजराती शैली, अभ्रंश शैली या फिर पश्चिम भारतीय शैली, तो 1100 से 1500 के मध्य जो डाटा रचित होता है उसे अपभ्रंश शैली नाम दिया जाता है, तो सही जवाब सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कल्पसूत्र की प्रति जो 1465 ईस्वी में लिपिकार थे, तो 1465 वाली कल्पसूत्र किसने लिखी, कर्ण सिंह ने, नागरी दास ने, देवीदास गौड़ ने या फिर निहाल चंद्र ने। कल्पसूत्र की एक प्रति है 1465 के आसपास लिखी जाती है, उसको लिखते हैं देवीदास गौड़, तो सही जवाब बी के साथ, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 59 नंबर आपके स्क्रीन पे रहा, पूछा गया मित्रों की दुर्गा सप्तती के चित्र किस शैली के हैं, नाम है ग्राम्य शैली, गुजराती शैली, अभ्रंश शैली या फिर पाल शैली। दुर्गा सप्तती के जो चित्र शैलियां हैं मूल रूप से कैसी दिखाई देती हैं, तो सही जवाब बनता है अभ्रंश शैली में है, सही जवाब बी के साथ बनता है, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 60 नंबर आपकी स्क्रीन पे है, प्रश्न संख्या 60 क्या पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है गीत गोविंद के चित्र किस शैली के हैं, नाम है अभ्रंश शैली, नाम है जैन शैली, नाम है गुजराती शैली, नाम है पश्चिम भारतीय शैली। गीत गोविंद के चित्र कौन सी शैली के हैं, तो जो गीत गोविंद मित्रों उसके जो चित्र हैं वो अभ्रंश शैली के हैं, सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 61 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा, पूछा गया लेपाक्षी मंदिर तथा उसके भित्ति चित्र किसने बनवाए, नाम है हरिहर ने बनवाया, अच्युत्या देवा ने बनवाया, बुक्का राय ने बनवाया या फिर इरुगप्पा ने बनवाया। लेपाक्षी मंदिर और उसके भित्ति चित्र किसने तैयार करवाए, तो याद रखना अच्युत्या देव ने बनवाया है, सही जवाब इसी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 62 नंबर पाओ, पूछा गया आपसे लघु चित्रकला भारत के किस हिस्से में विकसित हुई, नाम है उत्तरी हिस्सा, पूर्वी हिस्सा, पूर्वी पश्चिमी हिस्सा या फिर उत्तरी पूर्वी हिस्सा। जो लघु चित्रकला है मित्रों, लघु चित्रकला मतलब पाल वाला और पाल मतलब आपको बंगाल वाला याद आना चाहिए, बंगाल मतलब आपका पूर्वी हिस्सा आएगा, तो सही जवाब सी के साथ देना, सी इज द राइट आंसर्स लगाना। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, पूछा जा रहा है चोर पंचायत का डाटा डाट द्वारा लिखा गया वात्स्यायन, यशोधर पंडित, बिल्हड़ और शशिकला का नाम दिया गया। चोर पंचायत का आप जानते हैं बहुत अच्छी रचना है, बिल्हड़ जी ने लिखी है, सही जवाब बी के साथ। अंतिम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा, पूछा गया कौन सा बौद्ध मूल ग्रंथ कई स्याही इमारतों के चित्रित आकृतियों का अस्तित्व का वर्णन करता है, तो विनय पताका में ऐसा है, अभिधम पिताका में ऐसा है, सुप्त पिताका में ऐसा है या फिर इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा बौद्ध मूल ग्रंथ है जो स्याही इमारतों के चित्रों को बढ़िया से दर्शाता है, उसका नाम विनय पताका है, सही जवाब विनय पिटक लगाइए, फर्स्ट इज द राइट आंसर।